हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं की स्टोन के आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो रियल इस्टेट का ये आईपीओ आने वाला है 14 तारीख से, जो रुस्तम जी अंदर के ब्रांड के अंदर आता है। ये आईपीओ का डेट को देखेंगे, इसको रिव्यू करेंगे, उसका प्राइस भी देखेंगे और उसका सब्सक्रिप्शन करना नहीं चाहिए करना चाहिए, सारी बातें इसके अंदर हम एनालाइज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे इसका जीएमपी वगैरह भी क्या चल रहा है। उससे पहले मैं कहूँगा, जो नए यूज़र आए हैं चैनल को लाइक कर दो और साथ साथ में सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं की स्टोन का रियल इस्टेट का एक आईपीओ है जो रुस्तम ब्रांड के अंदर आता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात करें की स्टोन रियल्टर आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये रियल इस्टेट का एक आईपीओ आने वाला है, करीब करीब 14 नवंबर को आएगा, 16 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फिलहाल आईपीओ की प्राइस नहीं रखी गई है, लेकिन आईपीओ की जो साइज़ है वो बताई गई है, 635 करोड़ का ये आईपीओ है जो 14 नवंबर 2022 को स्टार्ट होने वाला है। ये फुल फ्लैज मेन बोर्ड आईपीओ है और ये बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपया है। आईपीओ की प्राइस एक दो दिन में मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। चलो देखते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी डिटेल देख लेते हैं, प्राइस वगैरह डेट वगैरह उसमें डिस्कस कर लेते हैं। जो नए यूजर आए उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, साथ साथ में बेल आइकन भी बटन दबाओ। वेलकम बैक माय चैनल। हम बात करें की स्टोन के आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी। की स्टोन लिमिटेड वन ऑफ द प्रोमिनेंट रियल इस्टेट डेवलपर है। कंपनी इंगेज है प्राइमरी बिजनेस के अंदर और रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज इन इंडिया के अंदर। और जून 2022 के अंदर देखा जाए तो कंपनी ने करीब करीब 32 प्रोजेक्ट कंप्लीट करे हैं और 12 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 21 प्रोजेक्ट उनके आने वाले हैं। और साथ साथ मुंबई मेट्रोपॉलिटन के अंदर इनका ज़्यादातर बिजनेस चलता है। और देखा जाए तो कंप्रेहेंसिव रेंज प्रोजेक्ट है अंडर अफोर्डेबल मिड एंड मास एस्पिरेशनल प्रीमियम सुपर प्रीमियम और कैटेगरी ऑल अंडर द रुस्तम ब्रांड के अंदर। देखा जाए तो एक रियल इस्टेट जो की स्टोन है रुस्तम ब्रांड के अंदर आती है, जो सारा इनका प्रोडक्ट चल रहा है। और जून 30 जून 2022 के अंदर देखा जाए तो की स्टोन डेवलप कर चुके करीब 20 मिलियन स्क्वायर फीट है, हाई वैल्यू एफोर्डेबल रेजिडेंशियल बिल्डिंग, प्रीमियम गेट्स इस्टेट्स, टाउनशिप, कॉरपोरेट पार्क, रियल इस्टेट स्कूल, आइकॉनिक लैंडमार्क एंड वेरियस अदर रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। और साथ साथ में देखते हैं मॉडल, बिजनेस मॉडल कंपनी का। देखा जाए तो बिजनेस मॉडल ज़्यादातर इंटरेस्ट ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विथ लैंड ओनर और डेवलपर और सोसाइटी, स्लम रिहेबिलिट किट प्रोजेक्ट के साथ साथ में रिक्वायर है अप फ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट और साथ साथ में है डायरेक्ट एक्वाइजेशन ऑफ द लैंड पार्सल। और देखते हैं कंपनी जो अडॉप्ट करती है इंटीग्रेटेड रियल इस्टेट डेवलपमेंट मॉडल फॉर एवरी स्टेज ऑफ द प्रॉपर्टी डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइकिल, कमिशमेंट फ्रॉम बिजनेस डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड पार्सल। साथ साथ में देखते हैं और क्या क्या इनका जो चलती है एक्टिविटी, देखते हैं मार्केट एंड स्केल्स भी चलती है। साथ साथ में ये भी है इनका डिज़ाइन और ओवरसीज एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर भी है। और आप देखते हैं बिजनेस के इनका मॉडल क्या है, तो जो यहाँ पे दिखाया गया है इन्होंने कंपनी इनका फाइनेंशियल करोड़ में बिजनेस का फाइनेंशियल दिखाया गया है 31 मार्च 2019 के अंदर। टोटल असेट थी 4153 करोड़, टोटल रेवेन्यू था 2142 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 137 करोड़ का। और देखा जाए तो 2020 के अंदर जो टोटल असेट हो गई थी 4415 करोड़ की और टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब देखा जाए तो 31 मार्च 2020 के अंदर देखा था 4415 करोड़ का टोटल असेट थी और टोटल रेवेन्यू हुआ था 1268 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया था 14 करोड़ का। देखा जाए तो 31 मार्च 2021 के अंदर 3654 करोड़ का टोटल असेट हो गई थी और टोटल रेवेन्यू हुआ था 1177 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 235 करोड़ का। और जून क्वार्टर का देखते तो टोटल असेट हो गई थी 3676 करोड़ की और टोटल रेवेन्यू आया था 91 करोड़ का और इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस हुआ था 1 करोड़ करीब करीब लॉस हुआ था। और 31 मार्च 2022 के अंदर देखा जाए तो ये करंट का क्वार्टर जो भी गया है तो टोटल असेट हो गई थी इनकी 3876 यानी 3876 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू हो गया था 1302 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 135 करोड़ का। देखा जाए तो 2020 के मुकाबले 19 के मुकाबले 20 में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, 2021 में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन 2021 से 2022 का देखा जाए तो करीब करीब 100 से 105 करोड़ 104 105 करोड़ का इनका प्रॉफिट का डिफरेंट है। फिलहाल देखते हैं जून के अंदर इनका जो आया है क्वार्टर में, देखो टोटल असेट हो गई थी इनकी 3910 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू हो गया था 176 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 4 करोड़ का। फिलहाल देखते हैं इशू लाने का मेन पर्पज़ क्या है, जो लोन वगैरह है वो पे करना है और कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए चाहिए और जो फ्यूचर में इनका
जो रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट है वो उनको कंप्लीट करना है, इसके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल देख लेते हैं आईपीओ की डिटेल। तो 14 तारीख को आएगा, 16 तारीख को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये रखी गई है और लिस्टिंग देखते हैं कब है, लेकिन लॉट साइज और आईपीओ प्राइस नहीं गई है। एक दो दिन में वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। टोटल आईपीओ की इशू साइज देखा जाए तो 635 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू 560 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल यानी प्रमोटर भी कुछ इसमें से निकल रहे हैं, अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, तो इसके अंदर 75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा, ध्यान देने की चीज़ है। और क्यूआईबी का कोटा 50% रखा गया है और एचएनआईएस का कोटा 15% रखा गया है। हम जैसे आप जैसे रिटेल का कोटा जो है 35% रखा गया है। फिलहाल देखते हैं जो इसके अंदर कंपनी के प्रमोटर्स का नाम भी है, बोमन रुस्तम ईरानी और साथ साथ में पारसी सौरभ जी चौधरी, ये सब इनके ऑनर का नाम दिया हुआ है। फिलहाल देख लेते हैं इसकी टेंटेटिव टाइम टेबल डेट वगैरह भी देख लेते हैं। ओपनिंग 14 तारीख को होगी, 16 को क्लोज हो जाएगी और अलॉटमेंट 21 तारीख को देखने के मिलेगा। रिफंड जिनको नहीं मिलेगा उनको 22 तारीख को रिफंड मिल जाएगा शाम तक, अगर नहीं मिलता है तो 24 तारीख को लिस्टिंग है, 24-25 तारीख तक भी लिस्ट रिफंड आ जाता है, एक दो दिन लेट और सवेर होती रहती है। और बात करते हैं 23 तारीख को, 23 तारीख को आप डीमैट अकाउंट में आ जाएगा और 24 तारीख को लिस्टिंग का दिन है, क्योंकि 24 तारीख को है थर्सडे और थर्सडे को इसकी लिस्टिंग है। फिलहाल देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग इसमें करीब करीब देखो 96% होल्डिंग दी गई है प्रमोटर की है। और आईपीओ आने के बाद कितनी इसमें होल्डिंग होती है वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा और बता भी दूंगा कितना आई है होल्डिंग। फिलहाल जो नए यूज़र आए उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बड़े दबा दो। यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत इफर्ट लगता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करें और साथ साथ में लाइक भी करते जाएँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।